कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात, कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात, किन से रिश्ते नाते जोड़े, किन से रिश्ते नाते जोड़े, किन का छूटा साथ। किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात, किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात, लेकिन सब कुछ पाकर भी हैं मेरे खाली हाथ, मेरे खाली हाथ, मेरे खाली खबर छापनी ही थी तो चौथे पेज पर कहीं कोने में छापते। श्री चंद जी, आपको कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था। तीन बंधु ने जानबूझकर 10,000 रुपए का डोनेशन दिया मुझे नीचा दिखाने के लिए, और आप ही का अखबार में खबर छुपवा दी, यानी कि शेर के घर में आकर ललकार गए वो। वो ललकार के चले गए और आप कुछ नहीं कर सके। तीन बंधु का सेक्रेटरी उसके लिए क्या क्या करता है आप जानते हैं? आज तीन बंधु की जो पोजीशन है वो उसी की वजह से है। उसकी पोजीशन आज मुझसे ऊपर हो गई। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि इस बार इलेक्शन का टिकट तीन बंधु को मिलना चाहिए। एडिटर साहब, सुन रहे हैं ना आप, ये सब क्या हो रहा है? अखबार सेठ जी का है और पब्लिसिटी बंधु जी को मिल रही है, और वो भी पहले पेज पर। यही तो पत्रकारिता का आदर्श है देशपांडे जी। इससे तो सेठ जी की इमेज और भी ज्यादा अच्छी बनती है कि ये आदर्श पत्रकारिता में विश्वास करते हैं। श्री चंद जी, हम कब कहते हैं कि आप अपने पत्रकारिता के आदर्श को त्याग दें? लेकिन आप हमारे हितों का ख्याल ना रखें, ये कौन सा आदर्श है? लेकिन सेठ जी, मैंने ना तो ऐसा कभी किया है ना कभी ऐसा करूंगा। मैं तो आपके हितों के लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। आज तीन बंधु की जो पोजीशन है, जिस तरह से उसके कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि टिकट उसी को मिलना चाहिए। यानी कि 4 साल से सेठ जी जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, वो सब बेकार। तुम बीच में मत बोलो देशपांडे। तुम जाओ, जाकर कांति शाह को बुलाकर लाओ। और सुनो, अगर वो किसी ड्रामे की रिहर्सल में बिजी हो तो उससे पूछ कर आना कब आएगा। जाओ जी। आप बैठिए श्री चंद जी। श्री चंद जी, अगर तीन बंधु की उड़ती हुई पतंग की डोर को नहीं काटा गया तो मेरे सारे सपने धूल में मिल जाएंगे। लोग मेरा, सेठ हीरानंद का नाम भूल जाएंगे। सेठ जी, इस वक्त आपको जरूरत है एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति बनाने की, और जिसके लिए जरूरत है अभिलाष जैसे व्यक्ति की। श्री चंद जी, अभिलाष जैसे दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की बजाय हम अभिलाष को ही अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेते? जी जी, जरा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल अभिलाष पूरी तरह बंधु जी का वफादार है। श्री चंद जी, आज के जमाने में किसी की वफादारी को खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं है। सरा सी बढ़ी हुई राशि और सुविधा पाकर करवट बदलने में देर नहीं लगाएगा, उसे अपने मुताबिक मोड़ लेना
मुश्किल काम नहीं होगा सेठ जी। मैं अभिलाष से मिलना चाहता हूं। कब, कहां और कैसे, ये आप अरेंज कीजिए। कहिए, कैसे याद किया? आपकी दवा तो पहुंच गई थी ना? भाई आपका वादा कभी खाली नहीं जाता। अच्छा ये बताइए क्या लेंगे? कॉफी। हॉट और कोल्ड? हॉट चलेगी। वेटर, दो हॉट कॉफी। तीन बंधु जी हमारी रिपोर्टिंग से खुश तो है ना? जी हाँ, बहुत खुश है। लेकिन श्रीचंद जी, मुझे आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। सेठ हीरानंद जी का अखबार होते हुए बंधु जी की रिपोर्टिंग आप निर्भय होके करते हैं। भाई अभिलाष जी, दैनिक ललकार बेशक हीरानंद जी का अपना अखबार है, लेकिन संपादकीय नीतियों पर वो कभी दबाव नहीं डालते, ना ही कभी हमारे काम में दखल देते। अभी आपने सेठ जी को बहुत नजदीक से जाना नहीं है, हमारे सेठ जी बिल्कुल अलग किस्म के इंसान। तो क्या बंधु जी की खबरें पढ़कर उन्होंने कभी आपसे रिएक्ट नहीं किया? कम अज कम इस तरह नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं। भाई मैंने आपसे कहा ना, वो बिल्कुल अलग किस्म के इंसान है। और उन्हें जब ये पता चला कि बंधु जी की सारी तरक्की के पीछे आपका हाथ है, भाई वो बहुत खुश हुए, आपसे मिलने के इच्छुक हैं। उन्हें डायनेमिक और डैशिंग आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। वो भला मुझ में क्यों इंटरेस्ट लेने लगे? मेरा उनका क्या मुकाबला है? मुकाबला नहीं, इंटरेस्ट। आज की इस दुनिया में प्रोफेशनल लोग अच्छे लोगों से दोस्ती रखते हैं। चलिए आप कहते हैं तो जरूर मुलाकात करेंगे, मुझे भी इतने बड़े आदमी को मिलकर अच्छा लगेगा। अगर ये मुलाकात जरा जल्दी संभव हो तो। लगता है सेठ हीरानंद मुझे अपने जाल में फंसना चाहता है ताकि बंधु जी कमजोर हो जाएं, पर मैं ऐसा ना होने दूंगा, आखिर इसकी कीमत भी तो लूंगा। कहिए क्या सोचने लग गए? इतनी जल्दी मुनासिब नहीं है। देखिए सज्जन जी, बंधु जी के कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं। जब तक मैं इन प्रोजेक्ट्स को पूरा ना करूं, इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। भैया अभिलाष जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सेठ हीरानंद जी आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। कम से कम इस वीक तो नहीं, हाँ अगले वीक जरूर कोशिश करूंगा। से अपनी पोजीशन का एक दिन इनके ही बराबर बनकर इन्हें नाली के कीड़े के समान न समझा तो मेरा नाम अभिलाष नहीं। पैसा पाकर लोग इंसानियत, अपना जमीन, अपनी निगाह तक खो बैठते हैं। मोटरों में बैठकर घूमने वाले ये बड़े बड़े लोग मजदूरों और काम करने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के हाथों गिरवी रखे हुए हैं। इनकी हर सांस मेहनत कश इंसान के बल पर चल रही है। अरे महेंद्र, कैसे हो? हेलो, ठीक हूं। लगता है किसी अच्छी जगह नौकरी करने लगे हो। मुबारक हो। बस चलता है। मेरे दोस्त, रफ्तार के इस कंपटीशन में एक दिन तुम सबको मैं पीछे छोड़ जाऊंगा।
क्या बात है, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। भाभी आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। क्यों? बढ़ाइए ना। ये लो। ये लो। ये क्या है? ये तो मेरे लिए लाया है। सोने की है? सच? हाँ सच, सोने की है। लेकिन ये तो भैया अब आप अपने प्रश्नों के बौछार ना करें तो अच्छा है। आप ही ने तो मुझे कुछ करने लायक बनाया, मुझे कुछ करने दीजिए ना। और क्या, आज मेरी बरसों की साथ पूरी हुई है। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम लोग मुझे कुछ कहने ही नहीं देते। तो ठीक है ना, ये देखिए, ये देखिए तो, और इनकी तारीफ कीजिए, ये सारा कमाल मेरे देवर का है। कमाल तो हमने आपका देखा है भाभी, जब कम्मों की शादी और मेरी पढ़ाई में आपने अपना एक एक छल्ला बेच दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जा तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया, साथ ही खाएंगे। हेलो, इज दैट 462-2024? माधव साहब से बात कर सकता हूँ? जान डॉक्टर माधव साहब से, मैं अभिलाष बंधु जी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, या अभिलाष हो भैया? हाँ सब ठीक है। वो बंधु जी ने कहा है कि उनके एक मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाना है, उसे VIP ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जी मैं मरीज को खुद ही अपने साथ ले आऊँगा, आप एम्बुलेंस तैयार करवा लीजिएगा, मेरी गाड़ी के साथ में फॉलो कर लेगी जी। हाँ मैं 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लाइए मुझे दीजिए, आइए सर। चाची, चाचा इतने बीमार और आपने मुझे खबर तक नहीं की, ये तो आज सवेरे अभय मिल गया, उसने मुझे बताया। हाँ बेटा, अस्पताल में हमें अभय मिला था। डॉक्टर साहब आप जरा चेकअप कर लीजिए प्लीज। मैं प्लीज देख दो। आइए डॉक्टर साहब। क्या बताओ बेटा, इन अस्पतालों में हमारी कौन सुनता, वहां गए तो बोले कि दाखिल नहीं करेंगे, बिस्तर खाली नहीं है हमारे पास कोई। चाची आप चिंता ना करें, डॉक्टर साहब को पहले चेकअप कर लेने दीजिए, मैं एम्बुलेंस साथ में लाया हूँ, भर्ती करने का पूरा इंतजाम कर दिया है, दवा के खर्चे का भी बंदोबस्त हो गया है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ। डॉक्टर साहब आपने चेकअप कर लिया, आपका ओपिनियन क्या है? एडमिट तो करना ही पड़ेगा। ओह आई सी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो चाचा को ले चले। ऐसा ठीक समझो कैसी तबीयत है अब चाचा? ठीक हूँ बेटा, पहले से अच्छा हूँ। तुम्हारे इस गुलदस्ते को देखकर मुझे याद आया। वही नॉवेल वाली बात। चाचा अभी आप आराम करें। पढ़े पढ़े मन कैसे लगेगा, पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, काला गुलाब, नया उपन्यास। चाचा अभी सिर्फ आप आराम करें,
और कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से सब इंतजाम बहुत अच्छा हो गया है। चाची, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। मेरी हैसियत ही क्या है, ये तो बंधु जी के नाम पे सब कुछ हो गया। हाँ, पर एक शिकायत है आपसे। चाचा इतने गंभीर रूप से बीमार हुए और मुझे दूसरों से पता चले। नेहा, तुमने भी मुझे पराया समझा? बेटा, मैंने तो कहा था नेहा से, लेकिन ये बेचारी भी क्या करे, सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर तुम्हारे चाचा की देखभाल भी कौन करेगा? तुम तो जानते हो बेटा, नेहा ही हमारा बेटा है और नेहा ही हमारी बेटी। चाची, नेहा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, नेहा कह रही थी कि पापा को अस्पताल क्यों ले आए, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। पर मैंने उसे समझाया बेटा, मैंने कहा कि अभिलाष कोई पराया नहीं है, अपना है, और अपनों का एहसान नहीं होता। बस यही सोचकर तो मैं चाचा को यहाँ ले आया। अगर अपनों के ही काम ना आ पाए तो मेरी जिंदगी किस काम की। ये तो अच्छा हुआ भाई मुझे मिल गया, तो मुझे पता चल गया। अच्छा चाची, चलता हूँ। अभय का जन्मदिन है आज, शाम को पार्टी में नहीं जा पाऊंगा तो सोचा भी हूँ। हाँ, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन करवा दीजिएगा। अच्छा चलो। प्रेजेंट तो समझा यार, लेकिन पार्टी तो शाम को है ना यार। बात ऐसी है कि देख, तेरी ऐसी वैसी कोई बात मैं नहीं सुनने वाला, समझा? यार अभय, तू मेरा अच्छा दोस्त है कि नहीं? आज शाम को बंधु जी के साथ पे नारे निकेतन की मीटिंग पे जाना है, मैं मजबूर हूँ। हाँ भाई, मैं तो सिर्फ मजदूर हूँ, वैसे भी मजबूर आदमी से कोई क्या कह सकता है। अगर तेरी नाराजगी खत्म हुई हो बैठने को कहेगा? हाँ बैठना। योगेश चाचा कैसे हैं? ठीक हो रहे हैं। और नेहा? वो भी ठीक ही है। ठीक ही है से मतलब? कुछ नहीं, बड़ी खुद्दार लड़की है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और न जाने क्यों मुझे भी उसका ये अंदाज पसंद है। पर क्या? शायद वो मुझे नहीं समझती। जिस दिन तुझे समझ जाएगी ना, उस दिन तेरा पत्ता साफ बच्चों। नहीं 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 यार, नेहा मेरी कमजोरी है, तू जानता है इस बात को। लेकिन वो जानती है इस बात को? शायद। एक काम कर, तू शादी की बात क्यों नहीं चलाता? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं यार, पहले जिंदगी मुझे कुछ बनने तो दे। मेरा अपना भी तो कुछ स्वाभिमान है। विलास, मुझे इस पूरी बात में एक चीज का डर है, कहीं तुम दोनों के स्वाभिमान की लड़ाई में कहीं ये ना हो कि तुम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएं। कम से कम मैं तो नहीं चाहूंगा। तो क्या चाहता है मैं अच्छी तरह समझता हूं। दरअसल अभिलाष, तेरे टॉस के सिक्के में दोनों तरफ सिर्फ हेड है। अभय, जिंदगी के खेल में बाजी जीतना जरूरी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नारी निकेतन की मीटिंग के सारे फैसले वेलफेयर बोर्ड में भेज देना। घर जा रहे हो क्या? नहीं, अभी कुछ देर काम करूंगा, थोड़े से बस तैयार। ठीक है। हेलो, कौन? सुचन जी। कहिए, आज इस वक्त में कैसे फोन किया? नारी निकेतन की मीटिंग में सुना है बड़ा हंगामा हुआ, दीन बंधु जी पर तीखे प्रहार हुए हैं,
सारे हिसाब किताब को लेकर। वो हमारी इंटरनल मीटिंग थी। ये खबर आप तक कैसे पहुंची? हाँ, ये खबर अखबार के लिए नहीं है। अभिलाष जी, खबर तो बनकर आ गई है और हम उसे छाप रहे हैं। नहीं, आप अभी उसे मत छापिएगा। सिजन जी, समझने की कोशिश कीजिए, इससे बंधु जी की इमेज बिगड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी दवा का कोटा ठीक है या नहीं है, या कम हो गई? अजी, ये सब बात छोड़िए, ये खबर तो हम सेठ हीरानंद जी के कहने पर छाप रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम सेठ हीरानंद जी से मिल लो। मैं और सेठ जी से मिलूं? हाँ ठीक है, फिलहाल आप इस खबर को रोक दीजिए, मैं आपसे आके बात करता हूँ, यहाँ आपके दफ्तर में आता हूँ। जी थैंक यू, जी थैंक यू। अरे बस ठीक, बैठो। क्या भाई, नाराज हो हमसे? हम कुछ दवाई वगैरह कम हो गई? अरे नहीं नहीं, इसे भी पिला रहे थे। चलो, सेठ जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन? सेठ हीरानंद जी? हाँ, वो क्या था कि जब मैं तुमसे टेलीफोन पे बात कर रहा था तो वो यहीं आ गए थे। यदि मीटिंग खत्म हुई है, कॉन्फ्रेंस हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या सोचने लगे भाई, तुमने तो वैसे भी उनसे मिलने के लिए कहा था। चलो आज ये ब्रीफ केस यही रखे। हाँ, इसको यही रखे, ठीक है ना? प्रॉब्लम नहीं ना? नो प्रॉब्लम। नमस्कार सर। अभिलाष बैठिए। थैंक यू सर। वैसे मैं अपने संपादक के काम में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन आज जब वो बंधु जी के बारे में नारी निकेतन वाली खबर छापने से रोकने लगे तो मुझे लगा शायद वो ठीक नहीं कर रहे। तुम इस बारे में शायद कुछ कहना चाहोगे अभिलाष? सर, वो हमारे इंटरनल मामले हैं, इस तरह के आक्षेप तो लगते रहते हैं। तुम्हारी मेरी सोच में अभिलाष यही बुनियादी फर्क है। तुम आक्षेपों की गंभीरता को नजरअंदाज करके आसानी से टाल रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि में वो काफी गंभीर हैं। लेकिन सर, इससे बंधु जी की इमेज बिगड़ेगी, उनकी छवि बिगड़ेगी। इस खेल में छवियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं अभिलाष। हाँ, अगर तुम चाहते तो हम वो खबर रुकवा देते। मैं तो यही चाहूंगा सर। श्रीचंद जी, बंधु जी वाली खबर को छपने से रोक दीजिए। अभिलाष, आज एक बात अच्छी होगी, इसी बहाने तुमसे मुलाकात होगी। सर, मुझे आपका मैसेज मिला था, लेकिन इधर मैं बहुत ऑक्यूपाइड था, बिजी था। I'm so sorry. जब मिलने की चाह होती है तो लोग मिल ही लेते हैं अभिलाष, जैसे आज हम तुमसे मिल रहे हैं। कहीं मुझे अपने जाल में फंसाने की चाल तो नहीं है? मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं तुम पर कोई दबाव डाल रहा हूँ, और ना ही मैं बंधु जी के कोई सीक्रेट्स तुमसे जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? सर जी, आप जानते हैं कि मैं बंधु जी के साथ में हूँ, फिर आप जानता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि तुम जैसे डायनेमिक आदमी को जो कुछ मिलना चाहिए वो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि बंधु जी के साथ मेरी लॉयल्टीज हैं। आज के जमाने में लॉयल्टीज चेंज करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है अभिलाष, चाहे वो राजनेता हो, इंटेलेक्चुअल हो, प्रोफेशनल हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लोग अपना फायदा देखकर लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं। लेकिन सर जी, आपको ये कैसे लग सकता है कि अगर मैं आपके साथ में हूँ तो मेरी लॉयल्टीज बदल जाएगी? हाँ, सेठ हीरानंद हीरे की कद्र करना जानता है और उसकी कीमत भी अदा करता है। मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ कि बंधु जी तुम्हें कितना पे करते हैं,
लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना ऑफर बता सकता हूँ। ठीक है, कहिए। मैं तुम्हें अपनी कंपनीज का जनरल मैनेजर अपॉइंट करूँगा। मेरे सारे प्रोग्राम्स, पब्लिसिटी, बिजनेस स्ट्रेटजीज तुम तय करोगे। शुरू शुरू में मैं तुम्हें 10,000 रुपया महीना तनख्वाह दूंगा, साथ में रहने के लिए मकान, दूसरी सुविधाएं, फोन, फ्रिज, टेलीविजन, और हाँ, कार तो मिलेगी। लेकिन बंधु जी से संबंध तोड़ने के मेरे पास कोई कारण नहीं है। कारण होते नहीं अभिलाष, कारण बनाए जाते हैं। तुम थोड़ा सा इंतजार करो। बंधु जी के साथ कहीं मेरे पंख भी तो नहीं काटना चाहता? उन्हें छोड़ने के बाद में ये मुझे लेगा, इसकी क्या गारंटी है? मेरे ऑफिस के बाहर वाले केबिन पर जल्दी ही एक नेम प्लेट लग जाएगी, अभिलाष जनरल मैनेजर। तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत होगा। मेरा अपना फैसला क्या होगा ये मैं स्वयं नहीं जानता। उस दिन का हम दोनों को इंतजार रहेगा अभिलाष।